टाउन सिटी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों के गुस्से का पारा क्षेत्र में बिजली कटौती की वजह से और भी चढ़ गया। किसानों ने कहा कि लगातार बिजली की कटौती कर रहे प्रशासन किसानों के धरने को समाप्त करना चाहता है। डोईवाला क्षेत्र में आए दिन घंटों तक हो रही बिजली कटौती आम जनता के साथ किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। बिजली कटौती की वजह से जहां एक तरफ कारोबारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं सबसे बड़ी परेशानी उन किसानों को झेलनी पड़ रही है जो पिछले 3 दिनों से टाउन सिटी के विरोध में सड़क किनारे दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग बार बार बिजली कटौती कर रहा है जिसकी वजह से किसानों का पारा चढ़ गया और किसानों ने बिजली दफ्तर के सामने नारेबाजी करते हुए बिजली कटौती पूरी तरह बंद करने की मांग की। घर में बैठे हैं, उस दिन से लाइट की कटौती हो रही है सर, बच्चे घर में परेशान हैं, सुबह नहाने धोने की दिक्कत है, बिजली नहीं आएगी तो मोटर कैसे चलेगी, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, बच्चों को दिक्कत हो रही है, स्कूल में टेस्ट हो रहे, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, और ये देखो अब हम जब लाइट ही नहीं है वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, धरने में कितनी परेशानी हो रही है, रात को मच्छर खा रहे हैं, दिन में इतनी गर्मी है, उमस है, अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो धरना हम यहीं पे ही लगाएंगे, यहीं पे बैठेंगे अब हम लोग 10-11 बजे तक बिजली लगातार 10 मिनट आएगी, 10 मिनट जाएगी, 10 मिनट आएगी, 10 मिनट जाएगी, तो ये सीधा सीधा ये है कि ये सरकार की साजिश है और इस धरने को चूंकि बौखलाई भी सरकार है, परेशान है कि उन्होंने एक स्टेप तो ले लिया स्मार्ट सिटी का, एरो सिटी का स्टेप ले लिया, लेकिन वो गले की हड्डी बन गया उनके, तो अब किसी रूप में जाए किसानों को तंग करके, बिजली से तंग करेंगे, पानी से तंग करेंगे, खाने से तंग करेंगे, रास्ते से तंग करेंगे, ये सब साजिश से शुरू हो गई। किसान नेता सुरेंद्र सिंह खालसा ने आरोप लगाया कि पिछले 3 दिनों से टाउन सिटी के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो शासन प्रशासन पूरी तरह बौखला चुका है, ऐसे में किसानों को परेशान करने के लिए दिन में लगातार बिजली कटौती की जा रही है ताकि ये किसान परेशान होकर अपना धरना समाप्त कर दें। ये सरकार की एक सोची समझी चाल है कि किसानों का आंदोलन यहाँ से खत्म करने के लिए, उठवाने के लिए बिना बताए रात को 10 बार लाइट, बिना बताए दिन में 10 बार लाइट काट दे रहे हैं। परसों हमारे बीच में एक सीनियर नेता आए, पूर्व मुख्यमंत्री आए, जैसे ही वो आकर के बैठे इन्होंने लाइट तुरंत काट दी। ये सरकार के इशारों पे चल रहे हैं, सरकार ये नाकाम कोशिश कर रही है कि किसानों का आंदोलन लाइट काट के कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे आप हमारा पानी खाना पीना सब बंद कर दें, किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।